भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मोह नहीं प्रेम। एक महात्मा हिमालय में रहते थे। वे हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहते थे और दर्शनार्थियों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन पढ़े लिखे लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, कोई उपाय हो तो बताइए। स्वामी जी उनसे बोले, नहीं दुनिया में रहकर आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दुनिया की मोह माया में लोग फंस कर रह जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है, तब आत्मा की साधना कैसे हो सकती है। फिर उधर उधर की बातें होती रही। पता चला कि स्वामी जी ने छोटी उम्र में ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। देश के बहुत से तीर्थों में घूमे और अब अनेक वर्षों से वहां थे। इस बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूछा, आप लोग यहाँ कब तक हैं? उस टोली के एक सदस्य के ये कहने पर कि 3-4 दिन रहेंगे स्वामी जी, तो स्वामी जी बोले, गोमुख जाओगे? जाओ तो रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उससे अवश्य मिल लेना। वो बड़ा ही विद्वान है, बड़ा मेधावी है। अभी उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, पर उसने वेद पुराण उपनिषद महाभारत सब कुछ पढ़ डाला है। मुझे बड़ा सहारा था उसका, लेकिन पता नहीं एक दिन उसे क्या सूझा कि यहाँ से चला गया और अब बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह में रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था उसके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचा देता था, भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। कहते कहते स्वामी जी इतने विहल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुद्ध गया। टोली में से एक ने ये देखकर कहा, महाराज अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आदमी की उन्नति नहीं हो सकती, पर आप स्वयं मोहग्रस्त हो रहे हैं। स्वामी जी ने सिर उठाया और बोले, अरे मेरे ये आंसू मोह के नहीं प्रेम के हैं। देखो मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह फंसाता है, प्रेम उबारता है, पर तुम लोग इस अंतर को नहीं समझोगे। सचमुच उस अंतर को समझना आसान नहीं था, पर उससे भी मुश्किल उसे जीवन में उतारना था। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा